नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी। तो आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे दिवीज लैबोरेटरीज का, जिसने हाल ही में काफ़ी बढ़िया रनअप दिया है और जिसने एक साल में 100% के रिटर्न दिए हैं और तीन साल में 300% के रिटर्न, जी हाँ, जिसने पैसा तीन गुना करके दिखाया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है और कंपनी के वैल्यूएशंस कैसे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी करती क्या है। तो अगर यहाँ हम दिवीज लैबोरेटरीज के बारे में बात करें तो इनके जो एमडी और फाउंडर हैं मिस्टर मुरली दिवीज, जो एक एक्स एम्प्लॉय भी रह चुके हैं डॉक्टर रेड्डीज के, ये जो कंपनी मिस्टर मुरली दिवीज ने एस्टैब्लिश की थी दिवीज, वो 1990 में एस्टैब्लिश की थी। यहाँ पे इनके दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं हैदराबाद और वाइजैग में, और काकीनाडा में भी इनका एक प्रपोज्ड मैन्युफैक्चरिंग साइट है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 52% प्रमोटर होल्डिंग है, एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। FIIs की बात करें तो 18% फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो करीब 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 15.5% म्यूचुअल फंड्स होल्ड करते हैं। यहाँ पे मैंने दो ब्रेकअप लगाए हैं रेवेन्यू मिक्स पे, दो ब्रेकअप्स लगाए हैं, एक लोकेशन वाइज ब्रेकअप है और एक प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है। अगर लोकेशन वाइज ब्रेकअप की बात करें तो 23% जो इनका रेवेन्यू आता है वो USA से आता है, 11% रेवेन्यू एशिया से, 47% यूरोप से, 15% जो रेवेन्यू आता है वो इंडिया से आता है और 4% जो रेवेन्यू इनका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो करीब करीब 70% जो इनका रेवेन्यू है वो USA और यूरोप से आता है। अगर इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल के बेस पे इनका रेवेन्यू देखें तो जो 49% इनका रेवेन्यू है वो जेनेरिक से आता है, 41% रेवेन्यू इनका कस्टम सिंथेसिस से आता है और 10% रेवेन्यू न्यूट्रास्यूटिकल से आता है। तो चलिए ब्रीफ में जान लेते हैं कि ये जेनेरिक्स और कस्टम सिंथेसिस और न्यूट्रास्यूटिकल्स है क्या। तो अगर जेनेरिक्स के बारे में बात करें तो जनरली जो बड़ी बड़ी MNCs होती हैं वो अपना R&D करके एक मॉलिक्यूल डेवलप करती है, APIs बनाती है। तो दिवीज जैसी कंपनीज क्या करती है, वो उनका एक कॉपी वर्जन बनाती है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, उनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में, और वो काफ़ी लो कॉस्ट रहता है, तो उन्हें जेनेरिक्स कहा जाता है। कस्टम सिंथेसिस के बारे में बात करें तो एक तरह से जो दिवीज जैसी कंपनी है वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट लेती है बड़े बड़े MNCs पे, बट ये जो कस्टम सिंथेसिस रहता है वो काफ़ी लोअर स्केल पे रहता है, तो यहाँ पे वो उनके लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। और क्रैम्स मॉडल एक तरह से कस्टम सिंथेसिस ही है, बट वो एक बिगर स्केल पे होता है, लार्जर स्केल पे होता है क्रैम्स मॉडल। अगर न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में बात करें तो वो एक तरह से फूड विथ मेडिकल बेनिफिट्स कहा जाता है। तो जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो विटामिंस या प्रोबायोटिक्स लेते हैं उसे न्यूट्रास्यूटिकल्स कहा जाता है। और कंपनी ने दिवीज ने कहा भी है कि आगे चल के फ्यूचर में ये न्यूट्रास्यूटिकल्स में काफ़ी अच्छा ग्रो करेगी। चलिए कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी ने, तो यहाँ पे मैंने तीन पैरामीटर्स लगाए हैं, डेट, ROC और डेटर डेज। तो चलिए सबसे पहले कंपनी के डेट के बारे में बात करते हैं। 2016 में कंपनी का डेट था 41 करोड़, और 2019 में 105 करोड़, और 2020 में 33 करोड़। 33 करोड़ डेट दिवीज जैसी बड़ी कंपनी के लिए आई डोंट थिंक इट विल बी अ मच प्रॉब्लम, बिकॉज दिवीज का जो नेट प्रॉफिट है उसके कंपैरिजन में इनका डेट देखे तो काफ़ी कम है। अगर ROCE के बारे में बात करें, ROCE होता है जो भी कंपनी अपना एक्सपेंशन प्लान कर रही है या जो भी केपेक्स कर रही है उन पे उनको रिटर्न कितना मिल रहा है। अगर ROCE की बात करें तो 2016 में 36% ROCE था, 2018 में 22, 2019 में 29 और 2020 में देखें तो 25% ROCE है कंपनी का। कोई भी ROCE 15 या 20% से ज़्यादा हो तो वो अच्छा ROCE है। अगर डेटर डेज के बारे में बात करें, डेटर डेज होता क्या है कि सपोज़ दिवीज ने किसी भी कंपनी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया तो दिवीज उनको एक इनवॉइस भेजेगी, बिल भेजेगी, तो इनवॉइस के बिहाफ पे वो कंपनी कब उनको उनका पैसा लौटा रही है, कितने दिनों में दे रही है, उसे डेटर डेज कहते हैं। तो अगर दिवीज लेबोरेटरीज के डेटर डेज के बारे में बात करें तो 2000 में दिवीज के डेटर डेज थे 85, जो 2020 में 96 हुए हैं। तो ये डेटर डेज यहाँ पे काफ़ी मैनेजेबल लगते हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं। अगर कंपनी के रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट के बारे में बात करें तो साल दर साल आप देख सकते हैं
रेवेन्यूज़ में इनके काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। 2016 में इनके रेवेन्यूज थे 3776, तो जो 2020 में 5394 करोड़ है। प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा रनअप दिखाया है। 2016 में कंपनी के प्रॉफिट्स थे 1126 करोड़ और 2020 में कंपनी ने 1377 करोड़ के प्रॉफिट्स क्लॉक इन किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब कंपनी के वैल्यूएशंस कैसे हैं। तो अगर कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में बात करें तो इनके पीयर के कंपैरिजन में इनका जो पी है वो डीवीज का जो पी है वो 55 है, जीएसके फार्मा का 318 है, कैडिला का 31 है और डॉक्टर रेड्डीज का 45 है। तो पी भी काफ़ी नॉर्मल है उनके पीयर्स के कंपैरिजन में। हाल ही में कंपनी ने काफ़ी बढ़िया रनअप दिया है, उस वजह से आप यहाँ देख सकते हैं कि उनका पी भी काफ़ी बढ़ चुका है। अगर यही पी आपने सपोज 6 महीने या 9 महीने पहले देखा होता तो इनका पी काफ़ी कम होता, बट अभी हाल ही में रनअप की वजह से काफ़ी इनका पी बढ़ चुका है। अगर कंपनी के फ्री कैश फ्लोज क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी के पास कितना फ्री कैश फ्लो है, मतलब कितना रियल कैश कंपनी के पास है। तो अगर 2016 में बात करें तो कंपनी के पास 642 करोड़ के कैश फ्लोस थे, 2017 में 773, 2018 में 502, 2019 में 221 और 2020 में 31। तो साल दर साल अगर आप देखें तो इनके कैश फ्लोस कम होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डीवीज जैसी कंपनी के लिए कैश फ्लोज इतना कम होना इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि जो भी इनके पास जो भी फ्री कैश फ्लो रहता है वो अपने कंपनी केपेक्स में इन्वेस्ट करती है, अपने एक्सपेंशन प्लान्स में इन्वेस्ट करती है। अगर कंपनी का शेयर प्राइस के बारे में बात करें तो अभी ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे है। अगर मेरे ओपिनियन में कंपनी को फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है कंपनी, तो मेरे ओपिनियन में कंपनी को बाय ऑन डिप्स करते चले, लेकिन आप अपनी स्टडी ज़रूर करें इस कंपनी पे और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी।